सो गाइस, क्या आपके भी जीबी व्हाट्सएप में ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिला है, योर नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉगिन। इसका मतलब क्या है और आपके जीबी व्हाट्सएप में ये वाला नोटिफिकेशन किस लिए है यार, और इसका मतलब क्या है और इसे आपको कैसे हटाकर अपने जीबी व्हाट्सएप को सक्सेसफुली यूज करना है, तो आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो बने वीडियो में लास्ट तक। बट उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट को वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको सिखाते हैं ये वाला प्रॉब्लम को कैसे जो है फिक्स आउट करना है। तो चलिए सो गाइस, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है, योर नीड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू लॉगिन। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि आप जो है नॉर्मल व्हाट्सएप को यूज करो, जीबी व्हाट्सएप को यूज मत करो। इससे क्या हो सकता है, आपका जो है नंबर बैन हो जाएगा और बैन होने के बाद क्या होगा, आपका ना जीबी व्हाट्सएप चलेगा ना ही कि नॉर्मल व्हाट्सएप चलेगा। इसका मतलब यही है गाइस। और यहाँ पे देख तो आपको लिखा है कि इस वाले व्हाट्सएप को अगर आप यूज करते हो जीबी व्हाट्सएप को तो जो है प्राइवेसी को लेकर खतरा है। तो इसे हम प्रॉब्लम को, इस वाले प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने मोबाइल के होम स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपको कहना है, अपने जो है जीबी व्हाट्सएप है आपका ये, तो आपको कहना है इस वाले जीबी व्हाट्सएप को यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। एंड आपको क्या कहना है, आपको एफ इन्फो ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे एफ इन्फो का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक यहाँ से कर देना है। आप इस पर जैसे क्लिक कर दो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एफ इन्फॉर्मेशन, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको वो वाला नोटिफिकेशन शो हो रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है देखने को ये वाला ऑप्शन कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कॉल यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे कैमरा दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर दिख रहा है कॉन्टैक्ट, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है चौथे नंबर पर माइक्रोफोन, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है पाँचवें वाला ऑप्शन पे फोन का, और यहाँ पे दिख रहा है छठे नंबर पे एसएमएस का, और यहाँ पे सबसे नीचे की साइड दिख रहा है यहाँ पे एक स्टोरेज का। तो ये जो आपका जीबी व्हाट्सएप है ना, इस सारा का आपका एक्सेस ले रहा है, यानी कि आप किससे बात कर रहे हो और यहाँ पे फोटो कौन सा क्लिक करो, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने सारे नंबर है, और यहाँ पे माइक्रोफोन जो है आप किससे बात करो, क्या क्या बात करो, और यहाँ पे किससे फोन वगैरह फ़ोन पे बात करो, और यहाँ पे कौन सा आपको फ़ोन के अंदर जो एसएमएस आ रहा है, और क्या आपके फ़ोन में जो है गैलरी में फ़ोटो वगैरह यहाँ पे स्टोरेज है, सारा का सारा जो है आपका जीबी व्हाट्सएप जो है स्टोरेज ले रखा है, यानी कि वो आपका जो है स्टोरेज जो है एक्सेस कर रहा है। तो ये जो है आपको इसलिए वो नोटिफिकेशन आया कि ये नॉर्मल व्हाट्सएप वाला कह रहा है कि आप जो है मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप जो है यूज करो। यहाँ पे देखते हो ऑफिशियल व्हाट्सएप वाला ऑप्शन में आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप प्ले स्टोर में आके सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा व्हाट्सएप मैसेंजर। तो मेरा जो कि यहाँ पे ओपन है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है व्हाट्सएप मैसेंजर। तो ये कह रहा है कि जो है आप जो है नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करो, जीबी व्हाट्सएप यूज मत करो। जीबी व्हाट्सएप यूज करोगे आप तो बहुत सारे जो है खतरे हैं, आप जो है जो है आपका फ़ोन भी हैक हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, फ़ोटो वगैरह डिटेल्स कुछ भी आपका जो है लीक हो सकता है। ये नोटिफिकेशन इसलिए आया। और यहाँ पे देखते हो एक डाउनलोड जो है व्हाट्सअप का ऑप्शन आया, और यहाँ पे एक लिंक भी देखने को आपको मिलेगा, यहाँ से आप जो है इस वाले जो है व्हाट्सअप को डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि ऑफिशियल जो है व्हाट्सअप पर आपको यहाँ पर जो मैंने प्ले स्टोर में देखा है व्हाट्सअप मैसेंजर के नाम से, ये वाला व्हाट्सअप को आप यूज करोगे तो आपका जो है नंबर जो है बैन नहीं होगा। अगर आप जीबी व्हाट्सअप को किसी भी तरीके से बनाकर और फिर से आप यूज कर रहे हो तो आपका नंबर भी बैन हो सकता है और जो है व्हाट्सअप चलेगा ही नहीं, कोई सा भी व्हाट्सअप नहीं चलेगा। आप जो कितना भी परेशान हो जाओगे, किस कितना भी आप यूट्यूबर का वीडियो देख लोगे तो आपका कुछ भी जो है नहीं होने वाला, क्योंकि जो है बैन कर देगा आपका नंबर तो व्हाट्सअप चलेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको ये नोटिफिकेशन आया, तो यहाँ से आपको डाउनलोड पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो प्रो यहाँ पर जो है ये वाला व्हाट्सअप मैसेंजर ऐप्स जो है डाउनलोड हो जाएगा, और उसमें आपने जो है लॉगिन करके नंबर से आप यूज कर सकते हो नॉर्मल व्हाट्सअप। जो कि जीबी व्हाट्सअप यूज आपको नहीं करना है तो आपको यहाँ से जीबी व्हाट्सअप को ऑन इंस्टॉल पे क्लिक करके यहाँ पे नॉर्मल व्हाट्सअप ही यूज करना है। देखते हो मैं कुछ इस तरीके से वाला नॉर्मल व्हाट्सअप को यूज कर रहा हूँ, आपको भी ये वाला जो है नॉर्मल व्हाट्सअप को यूज करना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना गाइस, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नया ट्रिक।